मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में राजस्थान के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले शनि देव का अति प्राचीन मंदिर है। प्राचीन शनि देव के इस मंदिर में हरियाली अमावस्या पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शनि महाराज के हरियाली अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। शनि महाराज का सुंदर श्रृंगार किया गया। मंदिर पर श्रद्धालु यहां कई तरह की मन्नतें लेकर आते हैं। उनका विश्वास है कि शनि महाराज उनकी अर्जी को सुनते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले शनि देव के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। यह मंदिर राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में प्राचीन समय में खेजड़पुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ कदम कदम पर अनेक मंदिर है। इस नगर को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है क्योंकि मालवा क्षेत्र के खिलचीपुर में शनि महाराज का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्तों को मन चाहा फल प्राप्त होता है। दूर दूर से भक्तगण शनि जयंती पर हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं और मंदिर के आसपास मेले जैसा दृश्य दिखाई दिया जाता है। मंदिर के प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो मंदिर का निर्माण खिलचीपुर महाराज श्री दुर्जन साल सिंह जी ने सन 1920 में शनिदेव स्थान पर नवग्रह देवों के साथ निर्माण करवाया था। शनिदेव के दर्शन करने के पूर्व मंदिर में ही स्थित बजरंग बली के दर्शन करना अनिवार्य होता है, तभी शनिदेव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हर वर्ष की बात हरियाली अमावस्या को उत्सव प्रिया सप्ताह के समय से मनाया जा रहा है और आज की हरियाली अमावस्या का महाराज खिलचीपुर नगर में मनाया जा रहा है। शनि मंदिर पर शनि महाराज के जन्मोत्सव और स्थापना दिवस के रूप में शनि मंदिर पर हजारों दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। शनिदेव के दर्शन और उनको जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शनि महाराज के दर्शन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।